अभी हाल ही में भारत ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को भी लागू किया है। जीएसटी के बाद देश के अलग अलग तरह के दर्जनों इनडायरेक्ट टैक्स का जाल खत्म हुआ है। कितने ही तरह के हिडन टैक्स अब खत्म हो चुके हैं। उपभोक्ता को अब सामने रिसिप्ट पर दिखता है कि उसने कितना टैक्स राज्य सरकार को दिया, कितना टैक्स केंद्र सरकार को दिया। बॉर्डर पर ट्रकों का लगने वाला लंबा जाम भी खत्म हो गया है। जीएसटी से देश को एक नया बिजनेस कल्चर मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा कंज्यूमर्स को ही होने वाला है। मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, गरीब जिसका अज्ञान का लाभ उठाया जाता था, जैसे जैसे लोगों को इसकी जानकारी मिलती जाएगी, ग्राहक जागरूक होता जाएगा और कहीं पर भी अब कोई उसका चीटिंग नहीं कर पाएगा। एक पारदर्शी व्यवस्था है जिसमें कोई कंज्यूमर्स के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, जीएसटी की वजह से जब कंपनियों का आपस में कंपटीशन बढ़ेगा और बढ़ने वाला है, तो चीजों की कीमतों में भी बहुत गिरावट आएगी, कमी आएगी और इसका सीधा फायदा भी गरीब और मध्यम वर्ग के कंज्यूमर्स को होने वाला है। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रक 5 दिन में जाती थी, अब सारे चेकपोस्ट हटने के कारण वो 3 दिन में जा रही है। इसका मतलब कि जो सामान ढोकर के जाने का खर्च होता था उसमें कटौती आई है। ये आने वाले दिनों में कंज्यूमर को ट्रांसफर होने ही वाला है। आज भले शायद कोई लोग अज्ञान का लाभ उठाते होंगे, लेकिन सारी चीजों का फायदा आने वाले दिनों में ग्राहक को, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब को, उसको ट्रांसफर होने ही वाला है।